मैंने 2018 में किया था पहली बार तभी मैं 19 साल की थी तभी मैंने कुछ 14-15 कंट्रीज घूमी हूँ और मैं 160 डेज में वो किया बैक देन तो ये दिमाग में कैसे आया कि हाँ मैं साइकिल लेके निकलूंगी और पूरा जो है वर्ल्ड टूर करके आऊँगी ये सोच कैसे आई uh, मैंने एक्चुअली एक बुक पढ़ा दिस रोड आई राइड करके जूलियाना ब्यूरिंग का और वो बुक से मुझे आई है ये. पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ आ, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे अब जॉब करेंगे तो जब उन लोगों का भी ये ड्रीम होगा आपके पेरेंट्स का तो आप जब ये साइकिल लेके निकले तो घर में आपको सपोर्ट मिला या थोड़ा सा दिक्कत हुआ कुछ बहुत सपोर्ट मिला घर से आई ऑलवेज से कि मैं बहुत प्रिविलेज हूँ कि मेरे पेरेंट्स में जो भी करती हूँ उसके लिए बहुत सपोर्टिव है अभी एक्चुअली उनको वो, वो अभी भी सिलीगुड़ी तक मेरे आसपास ही होंगे और फिर मैं जब पूरा जग घूम के कोटेश्वर टेम्पल लाइक पूरा मेरा एक फाइव सिक्स थाउजेंड किलोमीटर का इंडिया का रूट है तभी भी वो मेरे साथ में ही होंगे पहले जब आप घर से निकले अकेले निकले या कुछ साथ ही थे या क्या सोच के निकले बस uh, राइड करके घूम के आना है या कुछ uh, मैसेज भी देना है तो 2018 में जब मैंने राउंड द वर्ल्ड किया था सो uh, so मैं यूके में रहती हूँ uh, अभी स्कॉटलैंड में पर तभी इंग्लैंड में रहती थी मैं uh, और उधर मेरा एजुकेशन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट चल रहा था एंड तभी मैंने डिसाइड किया था कि आ, मुझे ये राउंड द वर्ल्ड करना है साइकिल से एंड आई वांट टू बी द फास्टेस्ट वुमेन टू डू इट पर तभी हुआ नहीं वो फास्टेस्ट का पर आई एम द यंगेस्ट वुमेन टू डू इट अभी क्या, कितने साल है मैं अभी पच्चीस साल की हूँ बैक देन मैं उन्नीस साल की थी शुरू किया है एक दिन में कितना किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं अभी त, आ, प्लान ऐसा है कि 270 से तीन से करना है तीन सौ करना है पर वो भारत में जब मैं हूँ तभी नहीं वो मैं दूसरे कंट्रीज में जब होंगी तभी करूँगी जहाँ यू you नो know, हीट थोड़ी कम होगी तो दिक्कत क्या आ रही है रास्ते में जैसे आप साइकिलिंग करते हैं आ, कंट्री टू कंट्री जा रहे हैं तो देश के अंदर भी जा रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या हो रही है Um, बाहर मुझे ऐसे वीज़ास की दिक्कत होती है क्योंकि इंडियन पासपोर्ट के साथ बहुत वीज़ास लगते हैं विद इन इंडिया मुझे एक्चुअली मोटरबाइक वगैरह से जो लोग होते हैं वो यू नो ज़रा पीछे पीछे आते हैं थोड़ा तो अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है तो वैसा थोड़ा इंडिया में होता है पर बाहर मैं जहाँ कहाँ होती हूँ तो वहाँ तो मुझे वीज़ाज़ बहुत लगते हैं तो कुछ भी कंट्री में जाना होगा तो आई हैव टू प्लान माई लॉजिस्टिक्स वे हेड ऑफ़ टाइम प्रधानमंत्री जी ने आपको अप्रिशिएट किया अभी आप एक बार टूर करके आगे फिर निकले क्या गोल है अभी अभी गोल है तभी मैं आ, यंगेस्ट वुमन बनी थी अभी मुझे फास्टेस्ट बनना है है वैसा गोल है। जानना चाहूंगी जैसे आज के दुनिया में लड़की जब घर से निकलती है तो उसको बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आप भी एक लड़की है अकेले साइकिल लेके निकली है पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए एक बार घूम के आ गई तो क्या परेशानी हुई जो लड़कियों के लिए स्पेशली जो सिक्योरिटी बोले तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल बोले तो सब साइड के मैं देखे तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है तो कॉन्फिडेंस लेवल तो हंड्रेड परसेंट है कि कभी कभी ऐसे लगता है कि मुझसे नहीं होगा पर वो उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकल कर जाना वो बड़ा चैलेंज है पर ऑल्सो जो आम, जैसे मैंने पहले बोला कि मोटरसाइकिल वगैरह से लोग आते हैं तो वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है कभी कभी जब वो पीछे पीछे आते हैं वो कभी अगर बिना एक्सप्लनेशन के बिना जान लाइक यू नो मालूम नहीं, नहीं होता वहाँ फॉलो करते हैं फोटोज लेते हैं वीडियोज लेते हैं तो तभी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है स्पेशली जब उन्होंने मुझसे पहले बात नहीं की है तो तो अभी अ, पहले से आप बेहतर फील कर रही है कुछ अभी भी परेशानी आ रही थी अभी कल ही शुरू किया है तो अभी देखेंगे अभी आप बालेश्वर में पहुंचे हैं अभी यहाँ पे भी बहुत साइकिलियन से आपको वेलकम कर रहे हैं सब यहाँ पे लायंस क्लब में सभी खड़े हुए आपको स्वागत कर रहे हैं तो आपको कितना मोटिवेशन मिलता है जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी पीछे से एनकरेज भी एबसेली बहुत मोटिवेशन मिलता है और आ, लोगों से मिलना इज अ बिग पार्ट ऑफ मेरा मिशन राउंड द वर्ल्ड का तो बहुत खुशी होती है आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट लास्ट में जाना चाहिए अभी कितने दिनों में फिर से टूर कंप्लीट करना है लेस देन वन ट्वेंटी फोर डेज आ, हम भी चाहेंगे और हम भी प्रे करेंगे आप अपने गोल में पंचाय फिर ये सहित तो जो भी से तो वेलकम कर उत्साहित कर सैकल स्वागत करके सलीम भाई थी, भाई कौन देखें थी, देखें थी, देखें थी, लेडी स्पेशली वर्ल्ड टूर कर फास्टेस्ट लेडी हिसाब सेकर्ड कर तो आपल को जो

অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসটি বড়ে টোন টোন্ ব্রেন এন্ড বডি রে কোর্ডনেশন হুয়ে মাইন্ড রে কনসেন্ট্রেশন হুয়ে এবং সবুঠ ভালো জিনিস হচ্ছে এনভাইরমেন্ট ক্লিন তো সাইক্লিং ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এক্সারসাইজ এভরি বডি শুড ডু দ্যাট সুডি সমস্ত সাইকেল চলাই উচিত যে

बालश्वर कॅमेरापर्सन चित्तरंजन सहित सुमना परिडा कनक न्यूज